अगर आपने अभी तक हमारा सैम गुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसकी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। तो आज हम बात करेंगे BSNL के एक और प्लान के बारे में जो ब्रॉडबैंड यूजर के लिए प्लान यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है, एक निकल के प्लान आ गया है। आपको पता ही होगा कि जब ब्रॉडबैंड सर्विस BSNL ने स्टार्ट की थी तब उतना कंपटीशन नहीं था BSNL के लिए, लेकिन अब यहाँ पे तगड़ा कंपटीशन होने जा रहा है क्योंकि अभी जो भी एयरटेल का जो ब्रॉडबैंड है उसने भी बहुत सारे ऐसे प्लान में आपको बदलाव किया है। और दूसरा जो प्लान है यहाँ पे आपको जो जियो का प्लान वो भी यहाँ कुछ दिनों में लॉन्च होने वाला है। इसलिए BSNL अपना जो ब्रॉडबैंड सर्विस है या ब्रॉडबैंड यूज़र है उसे खोना नहीं चाहता है, तो इसलिए अच्छा अच्छे ऑफर यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इस महीने में ब्रॉडबैंड सेवा जो भी ब्रॉडबैंड प्लान है BSNL के उसमें काफ़ी बदलाव किया है, तो अच्छी बात है। और एक और बदलाव यहाँ पे सामने आ गया है तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि BSNL ने जो ब्रॉडबैंड सेवा जो प्लान लॉन्च किया है इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस प्लान में आपको यहाँ पे 995 रुपये वाला प्लान है जिसका जो BSNL का प्लान है जो उसके जो अनलिमिटेड यहाँ पे मिल जाता है आपको यहाँ पे BSNL FIB BBG ULD 995 C SC 297 ये प्लान का नाम है। इसमें आपको यहाँ पे 200 GB डेटा मिल जाता है और 200 GB डेटा की स्पीड होगी आपको यहाँ पे, डाउनलोड स्पीड आपको यहाँ पे 20 MBPS तक आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपका 200 GB ख़त्म होने के बाद आप यहाँ पे 2 MBPS की स्पीड से आप यहाँ पे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 MBPS से आप यहाँ 5 MBPS तक आपको यहाँ स्पीड मिल जाती है, तो अच्छी बात है। अभी तक ये जो प्लान है ये प्लान से भी अभी सिर्फ केरला सरकार के लिए ही अवेलेबल हो चुका है क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़र जो BSNL के है वो केरला सर्कल में ही अवेलेबल है। जो भी प्लान यहाँ पे लॉन्च होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे केरला सर्कल के लिए ही लॉन्च किए जाते हैं। तो ऐसा अभी भी ये प्लान लॉन्च किया है वो केरला सर्कल के लिए किया है, आने वाले वक्त में या कुछ दिनों में सभी सर्कल के लिए अवेलेबल हो सकता है। तो अच्छी बात है अगर आप BSNL के ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं, शायद मेरे ख्याल से सभी BSNL के ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं। जब 70-80% लोग ब्रॉडबैंड जो इस्तेमाल करते हैं वो BSNL का ही ब्रॉडबैंड होता है क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी BSNL जो मानी जाती है ब्रॉडबैंड में वो BSNL ही है। लेकिन अभी उसे भी तगड़ा कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है क्योंकि आने वाले वक्त में ये ब्रॉडबैंड सेवा में अभी ऐसा होने जा रहा है जैसा ही हमारे जो मोबाइल डेटा के प्लान में होता है वैसे जो ब्रॉडबैंड के प्लान में भी यहाँ पे हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक सैम मुंडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सैम मुंडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे ही मोबाइल के अपडेट में।